हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बेस्ट रेसिपी में आपका बहुत स्वागत। तो आज हम बनाएंगे आलू का चिप्स। तो आज हम आलू का चिप्स बनाएंगे, बिल्कुल झटपट बनने वाली चिप्स बनेगी, वो भी मार्केट जैसा। तो कैसे बनेगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने अच्छी तरह से आलू को धो कर छील लिए हैं, इसको अच्छी तरह से खींच लेंगे। तो हमने मीडियम साइज के चिप्स कटर लिए थे, ना ज़्यादा मोटा ना पतला, और इसको हम अच्छे तरह से इसको धो लेते हैं। तो पाँच छः पानी से इसको धोएंगे, इसको हम उबाले वालेंगे नहीं। इसको हमने एक टावल बिछा लिया, उसमें इसको एक एक करके सबको सुखा लेंगे, और अच्छी तरह से पानी इसका जब सूख जाएगा तो इसको हम तलेंगे। तो हमने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दिए हैं, तो इधर मेरा तेल भी गर्म हो रहा था और उधर सूख भी रहा था मेरा चिप्स। तो हमने धूप में नहीं सुखाया है, इसको हम तेज करके गैस को हाई फ्लेम करके इसको तल लेंगे। जब भी मेरा आधा जब चिप्स पक जाएगा तो हम इसको गैस को कम कर देंगे। तो गैस को कम करके इसको हम तल लेंगे। तो हमने गैस को कम कर लिए, और कम करके इसके इसी तरह से सारे चिप्स को हमको तल लेना है। सारे चिप्स हमने तल लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं। तो अच्छे तरह से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल दम करारा मेरा चिप्स बन के रेडी हो गया है। तो आप इसी तरह से बना के खा सकते हैं। जब मन करे तो आप फ्राई कर लीजिए और खा लीजिए, और नहीं तो समय नहीं है तो आपको इसको इसको स्टोर करके रख दीजिए, कोई डब्बा में या कोई पॉलिथीन में पन्नी में पैक करके रख दीजिए। यहाँ पर हमने आधा चम्मच नमक डाल दिए हैं, आधी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं, इसमें हम थोड़ी सी चाट मसाला डालेंगे। तो आप इसी तरह से स्पाइसी करके खा सकते हैं, जब मन करे तो आप खा सकते हैं, नहीं तो इस तरह का तैयार करके कोई डब्बा में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो एक महीने भर के लिए बना के भी रख सकते हैं, बिना धूप में सुखाए बिना उबाले इतना अच्छा सा आपका चिप्स बन के रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, मार्केट जैसा बन के रेडी हो जाएगा। बच्चों लोग को तो चिप्स खाना बहुत पसंद है, अभी तो आलू का सीजन है, तो बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। बाय।